चलो गाइस स्टार्ट करें। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द फाइनल अकाउंट्स, आज एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करते हैं पहले, विच कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड व्हाट प्रिंसिपल्स। आर वी क्लियर विद दैट वन? आई गेस फाइनल अकाउंट्स के पहले पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। वी आर डन विद अकाउंटिंग, वी आर डन विद डेफिनेशंस, वी आर डन विद रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आर वी डन विद ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स, रियल पर्सनल नॉमिनल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वी आर ऑल्सो डन विद समथिंग विच इज नोन एज मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। असेट पहले से क्या होता है, फिर से डेबिट, इंक्रीज एंड क्रेडिट, डिक्रीज, क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज, लाइबिलिटी फिर से क्रेडिट, डेबिट, एक्सपेंस फिर से डेबिट, क्रेडिट, इनकम फिर से क्रेडिट, डेबिट, नेक्स्ट वन इज कैपिटल, क्रेडिट, इंक्रीज एंड डेबिट। दिस इज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देन वी वेंट टू जर्नल। जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ रिकॉर्ड। इन अ जर्नल इज नोन एज एंट्री। रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज नोन एज एंट्री। एंट्री इज डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर विद दैट वन? एंट्रीज इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज रिमेन टोटल ऑफ क्रेडिट। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग, दैट इज टोटलिंग इज कास्टिंग। क्लियर एकदम? जर्नल के बाद हम लोग गए थे लेजर। ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर। द प्रोसेस इज नोन एज लेजर। इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्रिंसिपल। एंट्री अकाउंट्स बनाना आ गया, डेबिट में कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में कैसे रिकॉर्ड करना है, बैलेंसिंग आ गया। रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव पर्सनल कैन हैव डेबिट और क्रेडिट, नॉमिनल्स कैन हैव डेबिट और क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस, दे आर क्लोज एंड आर ट्रांसफर्ड टू पी एन एल अकाउंट। डू यू अग्री विद दिस वन? एनी डाउट्स ऑन दैट नाउ? नो। नेक्स्ट वन, लेजर के बाद हम लोग गए सब्सिडरी बुक्स। हाउ मेनी सब्सिडरी बुक्स? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक्स के बाद हम लोग गए कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, मल्टीपल कॉलम कैश बुक, दैट इज डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक इज कैश, डबल कॉलम कैश बुक इज कैश एंड डिस्काउंट एंड बैंक, थर्ड दैट इज ट्रिपल बैंक। कैश कॉलम विल हैव ओनली डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस, दे आर टोटल एंड कैन हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स वी हैव मनी विद बैंक, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। उसके बाद हम लोग गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड वी डिड लॉट ऑफ स्टफ। एरर्स आर क्लेरिकल और एरर्स आर प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर्स कैन बी एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, देन वी हैव कॉम्पेंसेटिंग एरर, फाइनली वी हैव ड्यूप्लीकेटिंग एरर। रेक्टिफिकेशन कैन बी कंडक्टेड एट थ्री लेवल्स। लेवल वन, बिफोर प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेवल टू, आफ्टर प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट इज थ्रू सस्पेंस अकाउंट आएगा। एंड लेवल थ्री, आफ्टर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो विद सस्पेंस अलॉन्ग विद पी एन एल एडजस्टमेंट। सारे नॉमिनल अकाउंट्स बंद होकर पी एन एल एडजस्टमेंट में चले जाते हैं, ठीक है? और कुछ एक और चैप्टर किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। असेट्स इज कैपिटल, सैलरी एंड ऑल दिस आर रेवेन्यू। सो ये सारे रिविजन हो गए। आज के रिविजन का फ्लो होगा अपना कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन प्रिंसिपल कर लेते और फाइनल अकाउंट्स पे टूटते एंड देन वी कैन गो ऑन टू दम स्पेसिफिक टॉपिक्स। स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिशिएशन, सो ऑन सो फोर्थ। डू यू अग्री विद दिस? कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स? तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल डाला है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी गो टू अ बर्थडे पार्टी एंड बर्थडे पार्टी में 100 लोगों को बुलाया गया एंड देर आर 5 केक्स, 5 डिफरेंट केक्स। सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको पांचों केक से एक एक पीस मिलेगा, डोंट बी सो हैप्पी। आपको पांचों केक में से कोई एक ही केक में से एक पीस मिलेगा। नाउ इमेजिन यू ऑल गॉट 5 डिफरेंट पीसेस। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एक बंदा बोलता है क्या बकवास केक है, सेकेंड बंदा बोल रहा है क्या मज़ेदार केक है, तीसरा बोल रहा है इट्स ओके ओके। एंड वाई यू ऑल हैव सम डिफरेंट आंसर्स? बिकॉज यू हैव गॉट डिफरेंट पीसेस फ्रॉम डिफरेंट केक्स। सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन टू इट। इमेजिन कोई अकाउंट्स भी ऐसे बनाए तो कोई बोलेगा क्या मस्त प्रॉफिट आ रहा है, कोई बोलेगा क्या अब लॉस आ रहा है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डेफिनेटली 100 लोग आ रहे हैं तो वाई टू हैव 5 डिफरेंट केक्स? वी कैन ऑर्डर 5 केक्स बट ऑफ सेम फ्लेवर सो डैट एवरीबडी गेट्स सेम थिंग। तो यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स में।
everybody cannot do accounting in their own rules and regulations and follow anything that they want. Can I say we should have uniformity in accounts? Yes. और ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स, वी हैव सम कन्वेंशंस, वी हैव सम प्रिंसिपल्स टू फॉलो एंड दिस शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन. सो वी हैव गॉट थ्री थिंग्स: अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. कैन वी स्टार्ट विद दैट? सबसे पहले क्या लेने वाले हैं हम लोग? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. अब ना लोगों के लिए मोर ऑफ्टन देन नॉट ये तीनों वर्ड सेम है. सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस तीनों सेम है सबके लिए. बट रियलिटी में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री वर्ड्स. बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है. एंड डिफरेंस क्या है? तो पहला वर्ड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट आई वुड से व्हाट आर प्रिंसिपल्स? दे आर रूल्स, दे आर एक्शंस दैट वी शुड टेक. There are some things that we have to follow and they are known as accounting principles. So, jaise hamare life mein bhi principles hote hai, waise accounts mein bhi principles hai. And they are very similar to your life principles. Be true, don't have any prejudice ki ye pehle se bura hai, ye pehle se acha, aisa kuch nahi hona chahiye. We should be not judgmental and we should be very truthful. Jhoot nahi bolna hai. To ye hamare kya hai? Principles hai. प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप होते हैं? तो प्रिंसिपल्स कहीं लिखे नहीं हुए हैं. अभी किसी ने बोला है कि झूठ नहीं बोलना है, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है. बट लोग बोलते हैं झूठ क्यों नहीं बोलना है? बिकॉज पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि झूठ बोलने से भाई बहुत फालतूगिरी होती है. सो दैट इज़ वाई वी से वी शुड नॉट लाई, बिकॉज ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई ड्राइव, सो आई बीन अ वेरी सेफ ड्राइवर. अगर मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा बाइक बुलेट है मेरे पास, इट डज नॉट गो बियॉन्ड 40. कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं, चलो सर साथ में जाते हैं. एक बार हुआ था, आई स्टे एट कांदिवली, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से आते तो बोलते सर यहाँ पे मिलो चाय के अड्डे पे, फिर साथ में निकलेंगे. बोला ठीक है. अब सुबह चाय के अड्डे पे मिले, चाय बाय पिया एंड देन वी स्टार्टेड. ये बंदे लोग अंधेरी पहुँच गए, मैं 15 मिनट के बाद पहुँच रहा हूँ. ये लोग को लगा मैं कहाँ गायब हो गया. बट दे वर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100-120, आई वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ. मेरे को बोलते क्या सर आप भी, मतलब बेटा जब तेरे एज का था ना तो मैं भी 120 था. अब ये एग्जैक्टली क्लियर? अब क्या हुआ पता है? जब मेरे पास पहली बार बाइक आया था ना हाथ में, आई गेस इट वॉज इन 12th standard एंड आई वॉज इन कॉलेज इन टाउन, HR करके कॉलेज है. वहाँ पे हम लोग रेस भी नहीं लगाते थे, हम लोग बैट्स लगाते थे. एक बंदे को बोलते थे तू बाइक के पीछे बैठ, 10 मिनट बैठ और चिल्लाने का नहीं. तू नहीं चिल्लाया तो तू जीत गया, और तू एक भी बार चिल्लाया तो तू हार गया. जस्ट इमेजिन कितना रैश ड्राइव करते होंगे. मतलब इट्स नॉट अबाउट द रेस ऑल्सो, इट्स अबाउट खाली पीछे बैठ के तेरे को बैठना है. अभी क्लियर विद दैट वन? फिर क्या हुआ, एक बार मस्त एक्सीडेंट हुआ एंड दोनों पैर फ्रैक्चर, एक भी नहीं दोनों. और दोनों पैर फ्रैक्चर होने के बाद आई वॉज इन दी हॉस्पिटल फॉर 15 days बिकॉज दोनों पैर. अब फ्रेंड्स भी खतरनाक लोग हैं, कमीने बोलता हूँ मैं तो अपने लैंग्वेज में उन लोग को. सो दे कम, नारियल पानी लेके आते थे रोज और खुद वहाँ पे बैठ के पीते थे, मेरे को नहीं देते थे. दैट्स अ फ्रेंडशिप. अब उससे सीखा, वो एक्सपीरियंस से सीखा कि भाई बाइक फटाफट, तभी से बाइक 40 के ऊपर जाता ही नहीं है. पीछे से लोग हॉर्न मारे, कुछ भी बोले, एक बार तो बंदा आके बोल के क्या किधर चला रहा है, मतलब गार्डन में. सो दिस आर प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स के बाद सेकेंड वर्ड आता है कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट आर अजम्पन्स. कॉन्सेप्ट आर अजम्पन्स. देर आर सर्टन अजम्पन्स डेट वी मेक. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद वन? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव कम इन द क्लास रूम टूडे, आई हैव अज्यूम्ड यू ऑल हैव ब्रश्ड योर टीथ्स. दैट इज अजम्पन्स. बताने की जरूरत है नहीं, सब ये करते ही है. तो अकाउंट्स में भी थोड़े ऐसे अजम्पन्स हैं. और अगर आप ये अजम्पन्स फॉलो कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं कि हम ये अजम्पन्स फॉलो कर रहे हैं. बट एक्चुअली अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हम ये अजम्पन फॉलो नहीं कर रहे. एंड द थर्ड वर्ड इज नोन एज कन्वेंशन. कन्वेंशन इज रिफर्ड टू एज पास्ट प्रैक्टिसेस. कन्वेंशन इज रिफर्ड टू एज पास्ट प्रैक्टिसेस. पास्ट प्रैक्टिसेस जो पहले की दुनिया में चल रहा था अभी भी चल रहा है. क्यों कर रहे हैं नहीं पता है. जब तक हमें कोई अच्छा उस पर प्रैक्टिस ना मिल जाए तब तक ये करते रहना.
बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एन इम्प्रूवमेंट ओवर इट. सो थोड़ी चीज़ें अकाउंट्स में ऐसी है ना कि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता है. पहले के लोग करते थे तो अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो साइंस होगा जब पहले के लोग कर रहे थे. डू यू अग्री विद दिस वन? सो दे आर नोन एज अकाउंटिंग व्हाट? कन्वेंशंस. द लॉट ऑफ कन्वेंशंस दैट वी गाइज फॉलो इवन दो वी डोंट नो द रीजन अबाउट इट. मेरे को एक कन्वेंशन याद आता है, माई मॉम टेल्स मी रात को नाखून नहीं काटने का. अब क्यों नहीं काटने का? तो एक बार मेरी मॉम बोलती है रात को नाखून काटेगा बुरे सपने आएंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? अब सपने तो आते हैं, याद रहते नहीं है. लोग बोलते हैं सुबह का 5 बजे का सपना याद रह जाता है इनसे. इनफैक्ट इट्स लास्ट में उठने उठने वाला सपना शायद थोड़ा याद रह जाए, बट अदरवाइज सपने याद. तो भाई मैं तो बोला चल एक बार नाखून काट ही लेते देखते क्या होता है. काटा, कुछ हुआ नहीं. उसके बाद वापस मम्मी के पास बोला मम्मी कुछ नहीं हुआ. बोलते पागल पैसे चले जाएंगे. इन शॉर्ट शी टोल्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन गुजराती, लक्ष्मी चली जाएगी. अब भाई तभी के ज़माने ऐसे थे ना कि लक्ष्मी आती थी डैड से, पॉकेट मनी. और डैड है मेरे हिटलर. कभी लक्ष्मी ज़्यादा तो मेरा तो दिमाग उल्टा चला कि लक्ष्मी जाएगी मतलब लक्ष्मी आएगी भी ज़्यादा. तो मैं तो काटे जाते तो वैसे ही थे, आई नहीं ज़्यादा. सो अगेन आई वेंट टू माई मॉम. माई मॉम आई सेड मॉम यार ये भी गलत है. तो मेरी मॉम ना बस फिर एक राइट आंसर दिया मेरी मॉम ने. बोलता बेटा ये ना तेरे नाना जी बोल के गए और नाना जी गए ऊपर. तो बोलता अभी तेरे को रियल रीज़न चाहिए तो किधर जाना पड़ेगा भाई? अपना इतना जल्दी ऊपर जाने का प्लान नहीं है. एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. सो इवन टुडे माई मॉम टेल्स मी सैटरडे तेल नहीं डालने का, ये भगवान का दिन है, वो भगवान को वो अच्छा नहीं लगता है. यू नो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वेयरिंग स्लीपर्स और बूट्स वो उल्टा नहीं होना चाहिए. हाँ झगड़े हो जाते हैं. झगड़े होने का एक और चीज़ ज़्यादा रहा है किसी को हाथ में चाकू नहीं देने का. हाँ झगड़े हो जाते उससे. तो ये सारे क्या है? कॉन्वेंशंस. हम लोग को फॉलो करते रहना जब तक हम लोग उसका रियल या उसका इम्प्रूवमेंट ना पता चले. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? सो देर आर थ्री वर्ड्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस. लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस इन टू ऑल थ्री ऑफ देम. लेट्स स्टार्ट स्टडिंग देम. सबसे पहले प्रिंसिपल्स आ गया, कॉन्सेप्ट्स आ गया, कन्वेंशंस आ गया. Now I am going into the first convention, a first concept. What is that first concept known as? Entity. Entity concept tells me that business and businessmen are different. आपको treat करना है business अलग, businessman अलग. और accounts किसके लिए लिखना है? Business के लिए लिखना है, businessman के लिए नहीं लिखना है. So ये concept के वजह से क्या होगा? जब businessman business में पैसे लेके आएगा, क्या कहते हैं जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लेके आते हैं, उस वर्ड को क्या कहते हैं? कैपिटल. नाउ कैपिटल विल बिकम एन असेट और अ लायबिलिटी. बिकॉज आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो? अब बिजनेस ये सोच रहा है कि भाई हमारे पास पैसे कहाँ से आए? ओनर से आए, तो भाई उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा. तो कैपिटल विल बिकम लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स विल बिकम एक्चुअली एन असेट, और वी कैन से रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी. नेट प्रॉफिट विल बिकम लायबिलिटी. अभी लोगों को बोले प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो असेट है. नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट असेट नहीं है, प्रॉफिट बिकॉज बिजनेस क्या सोच रहा है, चलो प्रॉफिट हो तो गया, पर अब ये प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? बिजनेसमैन को देना पड़ेगा. सो नेट प्रॉफिट बिकम्स अ लायबिलिटी. और इसीलिए अगर फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा आज तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है. तो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ ये? अकॉर्डिंग टू एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर डिफरेंट. अकाउंट्स किसके लिए लिखने हैं? कैपिटल बिकम्स लायबिलिटी, ड्रॉइंग इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट इज लायबिलिटी, लॉस इज असेट. जगास. नेक्स्ट वन, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स. एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. As simple as that. कौन सा concept है ये? Money measurement concept. Will you remember that? Yes. Next one. Money measurement concept के बाद आ रहा है. Accounts have to be divided into period. So for example, we started way back from journal. What is journal? Can I say journal में सारे records रख रहे हैं? Just imagine हम records रखते जा रहे, रखते जा रहे, रखते जा रहे, रखते जा रहे, and we are keeping on doing business करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते. कभी तो एनालाइज करना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल यू ऑल आर फाउंडेशन स्टूडेंट्स. किसी ने बोला क्या कर रहे हो फाउंडेशन? 5 साल के बाद किसी ने बोला क्या कर रहे हो फाउंडेशन? और 5 साल के बाद किसी ने बोला क्या कर फाउंडेशन?
फाउंडेशन से इंटर पे कब आओगे? हाँ, जब एग्जाम होगा, जब एग्जाम होगा, जब हम पास हो जाएंगे तो एग्जाम तो लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? अदरवाइज तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड ओनली कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो अकाउंट्स भी ब्रेक करने पड़ेंगे, पीरियड बनाना पड़ेगा ताकि वो पीरियड पे खड़े रह जाए और अंडरस्टैंड करे कि हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है. सो हम ये जान पाए कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और हम ये जान पाए कि हमारा फाइनेंशियल पोजिशन कैसा है. अदरवाइज तो क्या, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, देयर इज नो एनालिसिस एट ऑल. डू यू अग्री विद दैट वन? सो इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. डू यू अग्री विद दैट वन? एंड अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू दैट पीरियड एंड दैट पीरियड इज वन ईयर. दैट पीरियड इज, अब किसी ने बोला सर वाई वन ईयर? तो वन ईयर इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल पीरियड. उससे छोटा इज कंसिडर्ड वेरी स्मॉल पीरियड, उससे बड़ा इज कंसिडर्ड एज टू लार्ज. सो अगर हम देखेंगे ना तो हमारी सिस्टम या हमारी यूनिवर्स भी ये पीरियोडिसिटी पे ही चलती है. अकाउंट्स ने बोला उसी को कंटिन्यू करता है. सो फॉर एग्जांपल आपका कैलेंडर ईयर इज जैन टू दिसंबर. अगर हम कहते हैं कि हम 2023 में है तो 2023 इज वन ईयर. हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकेंड स्टैंडर्ड में कब जाएंगे तो वन ईयर. दिवाली साल में कितनी बार आती है तो वन ईयर. बर्थडे एक साल में कितनी बार आता है? तो आज अगर मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा? एक साल बाद. सो एवरीवेयर हम लोग देखेंगे ना तो पीरियोडिसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वन ईयर. तो अकाउंट्स में भी पीरियोडिसिटी इज डिफाइंड इज वन ईयर. एनीथिंग लेस देन वन ईयर इज स्मॉल, एनीथिंग मोर देन वन ईयर इज बिग. दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. डू यू रिमेंबर दिस नाउ? नेक्स्ट वन, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बाद आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड वॉट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? नोन एज अक्रूवल कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड. आई रिपीट माय वर्ड्स, ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड. खर्चा कब हो गया? जब खर्चा होता है. जब उसे पे करते तब नहीं. इसे कहते हैं अक्रूवल. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो फॉर एग्जांपल आपके लिए वहां पे एक एग्जांपल लिख के रखा है मैंने. गुड्स आर सोल्ड ऑन फर्स्ट जैन एंड कैश इज रिसीव्ड ऑन फर्स्ट मार्च. गुड्स बेचा कभी? फर्स्ट जैन में बेचा, पर क्रेडिट पे बेचा था. और उसका पैसा कब आया? मार्च में. तो इनकम कब हुआ? फर्स्ट जैन में. इनकम मार्च में नहीं हुआ, जैन में हो गया. अब आपने फर्स्ट जैन को सेल कर दिया. व्हाट्स अ जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल? एक्स टू सेल्स. एंड फर्स्ट मार्च को जब एक्स से पैसे आएंगे तो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? कैश टू एक्स. अब आप देखो फर्स्ट जैन नहीं, कैश टू एक्स. फर्स्ट जैन का एंट्री है एक्स टू सेल. एक्स इज पर्सनल, सेल इज नॉमिनल. इनकम रिकॉर्ड हो गया फर्स्ट जैन को. फर्स्ट मार्च को तो आपने एंट्री पास किया है कैश टू एक्स, यहाँ पे तो इनकम है ही नहीं. कभी कभी हमें जर्नल एंट्री आ चुकी है पर कभी कभी हमें पता ही नहीं कि हम कौन से बेसिस पे जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं. जर्नल एंट्री कौन से बेसिस पे पास कर रहे हो? अक्रूवल. अगर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करें ना, अगर हम लोग कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करें, देर आर टू कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग दैट वी कैन फॉलो. आइदर वी कैन फॉलो और वी कैन फॉलो. एवरीबडी हैज टू फॉलो अक्रूवल. There are only certain section of people जिनको government ने allow किया है कि तुम cash follow कर सकते हो, but they are hardly any. वो तो ऐसे गिन सकते हैं, पर उधर जाना ही नहीं अपने को. इसीलिए हमारा accounting में हम लोग बहुत पहले clearly बोल देते हैं what is that? Accrual. समझा? Accrual concept का word फिर से एक बार सुनोगे. Transactions are recorded when they happen, take place, not when money is received or paid. ये जगह मैंने रेंट पे ले रखा है क्लास. आज 31st है, महीना खत्म हो गया, मैंने अभी तक रेंट पे नहीं किया है. एक्सपेंस हो गया कि एक्सपेंस नहीं हुआ है? हो गया. बिकॉज मैंने ये क्लास तो यूज पूरे मैंने क्लास यूज कर लिया, पर अभी तक मैंने रेंट पे किया इज नॉट इम्पॉर्टेंट. रेंट तो अक्रूव हो गया है. जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो उसके डेबिट साइड पे टू रेंट लिखूंगा, भले मैंने पे नहीं किया है.
क्लियर. शायद एक और एग्जाम्पल दिया हो. प्रॉपर्टी इज टेकन ऑन रेंट फॉर बिजनेस एक्टिविटी. रेंट इज पेड ईयरली एट द एंड ऑफ, बट रेंट इज सेट टू हैव बीन अक्रूड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. समझा? एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तुम लोग ने, तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया एक साल का, कितने साल का, तो एक साल का पेमेंट आज से कर दिया, तो क्या आज खर्चा हो गया? नहीं, यूज नहीं किया. अब एक महीने के एंड पे एक महीने का खर्चा हुआ, दूसरे महीने के एंड पे दूसरे महीने का खर्चा हुआ, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल, एक महीने का 100 रुपया, 12 महीने का 1200 रुपया आप लोग ने पे किया है. किसका सब्सक्रिप्शन लिया है, कितना रुपया पे किया है, तो जब पे कर रहे हो तो क्या इज इट एन एक्सपेंस? नो, यू विल नॉट गो एंड राइट इन पीएनएल अकाउंट. इनफैक्ट यू विल गो एंड राइट इन बैलेंस शीट असेट साइड, दिस इज प्रीपेड. फिर जैसे एक एक महीना जाता जाएगा ना, तो वो कहां लाते जाओगे? पीएनएल. एक बहुत सिंपल सा अगेन एग्जाम्पल. सो फॉर एग्जाम्पल, आज मैं क्लासेस आया हूं, सो आई केम बाई कैब. पैसा नहीं था, पैसा आंचल से लिया. खर्चा किसका हुआ? मेरा की आंचल का? मेरा. पेमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आंचल का खर्चा नहीं हुआ है, आंचल ने तो मुझे लोन दिया है. अब कल मैं वापस ही आंचल को पैसा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खर्चा आज होगा कि कल हुआ? आज, बिकॉज आज मैं ट्रैवल करके आ गया. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? अक्रूवल. ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड. एंड अक्रूवल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. देर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जी सी ए. उसका ए है अक्रूवल. आर वी क्लियर? एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये सबको फॉलो करना है. और अगर सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं दिखाने की जरूरत नहीं कि हम ये फॉलो कर रहे हैं. बट अगर आप ये तीनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको लोगों को लिख के देना पड़ेगा कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे. क्लियर? सो आर वी क्लियर विद कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल? कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट? तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सारे. बट एक्सपेंस और इनकम को मैच करना है, मतलब जो इनकम क्रिएट हुआ है उसी इनकम को क्रिएट करने के जो एक्सपेंस हुए हैं उसके साथ मैच करना है. इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल परफेक्ट है ना. तो अभी एग्जाम्पल है कि ये क्लास चला रहा हूं मैं. अभी एग्जैक्टली क्लियर विदेशन? अब ये क्लास चला रहा हूं, तो लेट्स से आप लोग जो यहां पे बैठे हो, आपसे फीस कलेक्ट करूंगा मैं 3 महीने बाद. फीस कलेक्ट करूंगा कभी? बट क्या मेरे ये एक्सपेंसेस हर महीने हो रहे हैं? अब मुझे अगर एक महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो अगर मैं ये महीने मैंने खाली एक्सपेंसेस किए हैं और मैं अगर इनकम रिकॉर्ड करूं ही नहीं, तो मुझे एक महीने में क्या दिखेगा? लॉस. दूसरे महीने में भी क्या दिखेगा? और तीसरे महीने क्या दिखेगा पता है? बम्पर प्रॉफिट. बिकॉज तीसरे महीने के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुआ है? मेरा इनकम रिकॉर्ड हुआ है. और पहले 2 महीने में तो मेरे खाली एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड हुआ है. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का वॉयलेशन है. तो अब मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा? भाई तुम लोग जो मुझे फीस दे रहे हो, उसके लिए मैंने तुम्हें कितना महीना पढ़ाया? भले वो 3 महीने का इनकम पहले आ जाए या 3 महीने के बाद में आए, पर ये पूरे इनकम को 3 महीने में डिवाइड करना चाहिए. और पीएनएल अकाउंट कैसे बनाना चाहिए? 1 महीने का इनकम, 1 महीने का एक्सपेंस, 1 महीने का इनकम, 1 महीने का एक्सपेंस, 1 महीने का इनकम, 1 महीने का एक्सपेंस. इसे कहते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग. अब एक्चुअली पीएनएल अकाउंट मंथली तो बनाते नहीं है. ये एग्जांपल भले मैंने आपको मंथली दिया, पीएनएल अकाउंट कभी बनाएंगे? कैन आई से ईयरली? मैंने 3 साल का रेंट पे कर दिया, 3 साल का, और मेरा इनकम 1 साल का फी कलेक्शन है. सो दिस इज अगेन वॉयलेशन टू मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो 1 साल का फीस मेरा पीएनएल अकाउंट में, इनकम 1 साल का, तो एक्सपेंस भी, भले अगर आपने 3 साल का रेंट पे कर दिया हो, तो 1 साल का रेंट पीएनएल में डालो और बाकी का 2 साल का रेंट निकाल के बैलेंस शीट असेट पे प्रीपेड बोलो. दिस इज नोन एज कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट.
ऑफ ट्रैक, अगर पीरियोडिक सिटी साथ में ना लूँ तो मैं दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दो बिल्डिंग बना रहा हूँ, एक बिल्डिंग है 8 माले का, एक बिल्डिंग है 80 माले का. आर वी क्लियर विद दैट वन? अब मैंने दोनों के ब्रिक्स सीमेंट सब साथ में मंगा है. एक बिल्डिंग कितने का है और दूसरा बिल्डिंग, तो भाई ये 8 माले का जो ब्रिक है वो उसके अकाउंट में कैलकुलेट होना चाहिए, जो 80 माले का ब्रिक है वो उसके अकाउंट में कैलकुलेट होना चाहिए. बिकॉज बाद में ये 8 माला बिकेगा तो उसकी इनकम वहाँ पे आएगी, 80 माला बिकेगा तो उसकी इनकम यहाँ पे आएगी. तो जो प्रोजेक्ट का इनकम है उसी प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस, जो प्रोजेक्ट का इनकम है उसी प्रोजेक्ट का एक्सपेंसेस, अदरवाइज तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं. कॉन्सेप्ट समझा? आर वी क्लियर विद दैट? बीच में वर्ल्ड बैंक ने अपने महाराष्ट्र को ब्लैकलिस्ट कर दिया था. उन्होंने बोला महाराष्ट्र को हम लोन नहीं देंगे. तो हमने पूछा था उनको, भाई क्यों लोन नहीं दोगे? तो बोलते हैं आपने सीलिंग बनाया, हमने उसके लिए लोन दिया था, बट यू आर नॉट एबल टू टेल अस कि हमने आपको जो लोन दिया उसका खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है. बोलते हैं फिर ऐसा ना हो कि हमने लोन वो दिया था तुम्हें सीलिंग बनाने के लिए और तुम बना रहे हो पार्टी. मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑलवेज फॉलो होना चाहिए. अकाउंट्स में भी इनकम मैच्ड विद एक्सपेंस विल गिव यू रियल प्रॉफिट और रियल लॉस. कैन आई गो अहेड? व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स? वंस अगेन, हाउ मेनी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आई टोल्ड यू? जी सी ए. ए स्टैंड्स फॉर, जी स्टैंड्स फॉर. इन दिस कॉन्सेप्ट वी अज्यूम दैट बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग. कब तक? इन्फिनिटी. और इसीलिए तो एंटिटी कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी था. एंटिटी कॉन्सेप्ट ने कहा बिजनेस अलग, बिजनेस मैन मर सकता है, बिजनेस नहीं, बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग. ये कॉन्सेप्ट बनाने से क्या फायदा हुआ हमें? तो ये कॉन्सेप्ट बनाने से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या आना चाहिए और फाइनेंशियल पोजिशन में क्या आना चाहिए. ये फॉलो करने के वजह से ही तो आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस में डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकते हो. अब सारे अकाउंट्स को लूप में लेना चालू करो, ये रिवीजन सेशन लेने का मतलब ही ये था. बिकॉज जब आप नॉर्मली सीखते हो ना तो हम एक चैप्टर कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, बट नाउ व्हेन वी टेक रिवीजन वी नीड टू टेक इट कंबाइंड. ठीक है? सो फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रेंट, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस? परचेज ऑफ फर्नीचर, नाउ हाउ डू वी से रेंट इज रेवेन्यू एंड फर्नीचर इज कैपिटल? बिकॉज नॉट एग्जैक्टली रेंट इज रिकरिंग, बिकॉज नो, because the benefit of paying the rent expires in that 1 year and the benefit of the furniture will be available for so uske piche ek assumption hai that business will continue for more than 1 year. aapne kitna aaram se bol diya ki rent ka benefit expire ho gaya but furniture ka benefit sir apne ko ek saal se, par agar ek saal se zyada milega to uske piche ek assumption chala gaya ki hum ek saal se zyada usko use karenge. अब एक चैप्टर है जॉइंट वेंचर, क्या नाम है उस चैप्टर का? जॉइंट वेंचर इज अ वॉयलेशन टू गोइंग कंसर्न. जॉइंट वेंचर नाम से क्लियर है, जॉइंट वेंचर मतलब ये वेंचर हमने ज्वाइन किया है सिर्फ ये वेंचर के लिए. तो यहां पे अजम्पशन है कि बिजनेस विल क्लोज डाउन आफ्टर दिस वेंचर. अब वहां पे तुम अगर फर्नीचर भी खरीदो ना तो इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंस, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस. बिकॉज व्यू फर्नीचर फिर हमें ज्यादा यूज करना ही नहीं है. किसके लिए यूज करना है? खाली वेंचर के लिए. इज दिस क्लियर? पक्का? सेकेंड तो गोइंग कंसर्न का मजा क्या है कि पीएनएल बना, बैलेंस शीट बना. अगर हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करें तो बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं, बिकॉज एक साल से ज्यादा पीरियड आएगा ही नहीं. सेकेंड, बैलेंस शीट के अंदर इफ यू नो असेट्स में हम असेट्स को डिवाइड करते हैं फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स. डू यू नो दैट? व्हाट आर फिक्स असेट्स? बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन, एंड करंट असेट्स का मतलब जिसका बेनिफिट अपने ये साल में खत्म हो जाएगा, मतलब अमाउंट विल बी रियलाइज इन 1 ईयर. बट अगेन इसके पीछे वही अजम्पशन है ना, एक साल से ज्यादा, एक साल से कम. तो ये सब दिमाग के पीछे क्या चल रहा है? गोइंग कंसर्न. आर यू एग्जैक्टली क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. गोइंग कंसर्न के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जब भी असेट्स खरीदो तो असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो.
कौन से कॉस्ट पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट. दो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी प्रैक्टिकली डाइल्यूट हो रहा है बिकॉज अभी हमारे पास एक नए प्रैक्टिसेस आ गए जहाँ पे हम असेट्स को रिवाइज्ड वैल्यू पे भी लेने लगे हैं. बट जब बना था तब ये पुराना कॉन्सेप्ट है, और पुराना कॉन्सेप्ट कहता है कि असेट को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करने का? हिस्टोरिकल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक बार लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था एंड आई वॉज देयर, टू पीपल वेर टॉकिंग, मजा आ रहा था बात सुन के. एक बंदा बोलता है, तेरे को मालूम है मैं बॉम्बे में 25 साल पहले आया था, ठीक है, मैंने एक वन रूम किचन खरीदा था, पता है कितने में? तेरे को वन रूम किचन खरीदा था मैंने 50,000 में. कितने साल पहले? 25 साल पहले. कितने में खरीदा? तेरे को मालूम है आज वो कितने में बिकेगा? तो सामने वाला बोलता है, कितने में? बोलता है 1 करोड़. अब ये दोनों जो बात कर रहे थे, तो बंदा वॉज टेलिंग हिम कि 50 लाख में खरीदा और 1 करोड़ में बेचेगा, वो ऐसे सोच रहा है कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ, बट रियलिटी में वो प्रॉफिट नहीं हुआ. बिकॉज अगर वो घर बेचेगा तो रहेगा किधर? अब नया घर लेगा तो वापस उसको 1 BHK कितने में मिलेगा, तो उसको प्रॉफिट कहाँ होने वाला है? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि असेट को 1 करोड़ पे दिखाओ ही मत, असेट को किस पे दिखाओ आप? वही 50,000. समझा कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? बट प्रैक्टिकली याद रखो, बिकॉज वेन यू कम टू द नेक्स्ट लेवल आई विल टीच यू दैट. नेक्स्ट लेवल इज इंटर लेवल. सो इंटर लेवल पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अदर वर्जन्स आने लगे हैं. वी कैन हैव सम असेट्स एट रिवाइज्ड वैल्यूज. डू यू अग्री विद दिस वन? चलो नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज नोन एज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. कहता है कि हमें प्रॉफिट तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक हो ना जाए. प्रॉफिट तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक हो ना जाए. क्लियर है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. से इज दैट अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, देर शुड बी 2 इफेक्ट्स. 1 इफेक्ट शुड बी डेबिट, 1 इफेक्ट शुड बी क्रेडिट. टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ. एंड व्हाई एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव 2 इफेक्ट? बिकॉज इट सेज दैट एवरी गॉड डैम बिजनेस ट्रांजेक्शन विल इन्वॉल्व सम गिव एंड सम टेक. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सी, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ लव. आर यू एग्जैक्टली क्लियर? लव इज अनकंडीशनल. लव इज समथिंग विच वी डोंट गिव एंड टेक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब फॉर एग्जाम्पल, कल रात को मॉम ने खाना बनाया था एंड शी पुट लिटिल बिट ऑफ मोर सॉल्ट इन टू इट. तो बहुत मम्मी को चल चिल्ला दिया मैं, मम्मी क्या कर रहे हो यार, क्या नमक नमक डाल दिया, क्या करते रहते हो, मजा नहीं आया खाने में, दिस एंड दैट. बहुत बहुत मस्ती किया, बट मम्मी है ना बेचारी, सुबह वापस उठी 6 बजे बिकॉज शी नोज आई गेट अप एट 6. मेरे को गर्म पानी चाहिए होता बिकॉज आई टॉक अ लॉट. सो अगेन शी गॉट अप, मेरे बस बेड के बाजू में गर्म पानी करके रख के गई, मस्त चाय बनाया. बिजनेस होता तो एक बार जाके बॉस को गाली दो, दूसरे दिन बॉस बोले कहा ना नहीं कल से. अभी क्लियर विद दैट वन? सो बिजनेस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक. सो गिव एंड टेक है तो देर इज समथिंग विच इज नोइंग टू बी यू नो रिसीव्ड, रिसीवर ऑफ बेनिफिट, एंड देर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी द गिवर ऑफ बेनिफिट. डू यू अग्री विद दिस वन? सो दिस इज नोन एज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज वंडरफुल कॉन्सेप्ट, द कोर फंडामेंटल अगेन. दो इसको GCA में इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर एक्चुअली आपको बेस्ट अकाउंटेंट्स बनना है, बेस्ट प्रोफेशनल्स बनना है, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बेस्ट CMA बनना है, कुछ भी बेस्ट बनना है और अकाउंटिंग में बेस्ट बनना है, तो इसको खून में डाल दो. क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? Conservatism tells me we should recognize all possible future losses, but we should not recognize any possible future profit. We should recognize all possible future losses, but we should not recognize any possible future profits. मतलब future में कोई loss होने वाला है तो band बाजा बारात बजाओ. हम लोग अपने गुजराती में बोलते हैं ढिंडोड़ो पीटो. क्या होने वाला है तो? पर प्रॉफिट होने वाला तो? आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मतलब एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एकदम ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड. सो एज ऑफ नाउ मैं वापस थोड़ा लास्ट ईयर तक माय डेज वर टू गुड. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग अ लेक्चर, आई एम गेटिंग पेड X अमाउंट. And when I am taking a lecture today,
आई एम गेटिंग दैट x डिवाइडेड बाय 100. अच्छे दिन आते बुरे दिन भी आते, अब वो बुरे दिन चल रहे भाई, अब मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी हुई, देख बुरे दिन क्यों चल रहे तेरे, बोलता है क्योंकि पहले तू ना ढिंडोड़ा पीटता था, किसका, नहीं करने का, मम्मी ने बोला है कि नहीं तुम लोग को ये कि अच्छा होने वाला है तो. वी हैव दोज थिंग्स इन आर इंडियन कल्चर ना, किसी का नजर लग जाएगा, कोई अपने लिए क्या सोच रहा होगा, एंड होते हैं प्रैक्टिकली ऐसे लोग होते हैं. हाँ तो अभी मस्त रूल बनाया है, अभी मेरे को कोई पूछता ना क्या चल रहा है, चल रहा है, अपने को अच्छा भी नहीं बोलने का है, बोलने का ही नहीं है. मेरी वाइफ ने भाई समझा के डाल, राहुल दिमाग में डाल दे किसी को कुछ. अब मैन आई वॉज अ वेरी, आई एम स्टिल अ वेरी इनोसेंट पर्सन इन दैट टर्मिनोलॉजी, एंड वेरी ओपन हार्टेड. सो वॉट एवर यू आर सीइंग ना इज रियालिटी, इसके पीछे कोई तुम्हें कोई डुअल टोन नहीं मिलेगा. सो अगर तुम लोग मुझे ऑफिस में भी आके मिलोगे तो मैं ऐसे ही बात करूंगा आपसे, तुम मुझे क्लास में देख रहे हो तो भी मैं आपसे ऐसे ही, तुम लोग मुझे किसी दिन रास्ते पे भी मिल जाओगे तो भी मैं, आई डोंट हैव द ड्यूअल टोन फॉर एवरीवन, किसी के साथ ऐसा किसी के साथ, और ऐसे भी नहीं होता है कि कोई और मिल गया तो मैं और दिखाऊंगा. बट देन शी टोल्ड मी राहुल वी नीड टू हैव फिल्टर्स, किसके साथ क्या बात करना है वो पता होना चाहिए. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, कंजर्वेटिज्म कहता है बुरा होने वाला है तो नाचो, पहले से लोगों को बोलो कि क्या होने वाला है, रोना रो उसके सामने, पर अच्छा होने वाला है तो बताने का नहीं, जब तक हो ना जाए, बिकॉज हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा. इज दिस क्लियर. अभी कंजर्वेटिज्म का प्रैक्टिकल तुमको एग्जाम्पल बोलता हूँ. एग्जाम्स देते हो, एग्जाम्स देने के बाद सबसे पहले मम्मी डैडी फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये वो सब फलाना ढिकना क्या पूछते तुमको, क्या बोलते हो, क्या बोलने का, बकवास गया है. अच्छा जाए तो भी क्या बोलने का, बकवास गया है, ये डालो अभी खून में. हाँ रखने का ही अभी. एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, अभी क्यों, तो मेरा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. सो टिल 10th स्टैंडर्ड प्रीलिम्स ना, 10th के प्रीलिम्स तक बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट स्टडी वाइज, आई एम थर्ड क्लास, पता नहीं प्रोफेसर कैसे बन गए. इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड को तो अभी भी यकीन नहीं है कि मैं प्रोफेसर है, मान मन ऐसा पास होता था. अब तभी लकीली आई गॉट माई अंकल, एंड माई अंकल टुक मी अराउंड, बोलते हैं चल आज तेरे को पिकनिक पे लेके जाता है, और पिकनिक पे किधर लेके गए, सब कॉलेजेस दिखाया मेरे को 10th स्टैंडर्ड के प्रीलिम्स के बाद. आई एम फ्रॉम कांदिवली, इफ़ एनीवन नोज कांदिवली किधर है, तो कांदिवली में कॉलेज है बाल भारती, स्कूल ही लगता है. फिर मलाड में गए, तो मलाड में एक कॉलेज है NL, वो NL कॉलेज जब भी लेक्चर चालू होता है ना तो वो झाली बंद कर देते हैं, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, यू कांट बंक, झाली बंद हो जाता है 8 लेक्चर बैठने का. फिर मेरे को लेके गए मिठी भाई, वाह क्या क्राउड था. फिर बाजू में NM, अभी एग्जैक्टली क्लियर, एनसी वी आर गाइज आफ्टर ऑल, तो आ जाएगा वो लैंग्वेज ठीक है ना. ऐसा बाल भारती में लड़की को देखा तो वही पंजाबी पंजाबी पहन के, NM मिट्टी भाई गए तो मस्त शॉर्ट्स टी शर्ट्स, लेवल बढ़ा थोड़ा. फिर मेरे को लेके गए टाउन HR सिडनम जय हिंद, वहाँ के लोग तो कोई और ही लेवल के, सुबह उठते वही ट्रैक पैंट पहन के आ जाते स्कूल में, वही सामने मरीन ड्राइव, लवली एनवायरमेंट. मेरे को पता ही नहीं चला, बाद में रात को पूछा, मतलब ये कह को ऐसे पिकनिक पे लेके गया जा, इतना खुश होके मेरे को, बोलते तेरे को दिखाया तेरे को किधर जाने का है, बोलता द वे यू आर स्टडिंग ना तू जाएगा बाल भारती में. तो क्या बात कर रहे हो, बोला नहीं नहीं वो मिट्टी भाई जाता हूँ. तो बोलता बेटा मिट्टी भाई जाने के लिए तेरे को 60% चाहिए, अभी तो 60% से भी कुछ नहीं होता, मैं हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ. तो मतलब छोड़ो ना, अगर उधर जाने का टाउन सिडनम जयंद HR, तो बोलते तो 70 चाहिए. अब मैंने चालू किया पढ़ना, बिकॉज अपने को जाने का है मिट्टी भाई जयंद HR, अपने को बाल भारती, तो 40% आता था. कितना आता था, पढ़ाई किया सॉलिड, 2 महीने तो इतना पढ़ाई किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट. Now that uncle who took me for a round, he was a principal of one of the colleges. तो उनके पास है ना result पहले आ जाता था, मतलब पूरी दुनिया को result announce होगा ना, उसके 15 दिन पहले उनके पास result आ चुका था.
अब 15 दिन पहले उनके पास रिजल्ट आ गया मेरा, और अपने को मालूम पड़ता है, फील हो जाता है ना, बिकॉज घर पे चहल पहल है, सब हिल रहे हैं, एवरीबडी इज़ लाइक मैन मूविंग अराउंड, पर कोई मुझे रिजल्ट, मैं 10 बार बोला रिजल्ट आया क्या मेरा, बताओ ना क्या आया, नहीं 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 आया, नहीं आया, पर मालूम पड़ रहा है रिजल्ट आ गया। अब 15 दिन के बाद मैं स्कूल गया, रिजल्ट लेके आया, आई गॉट 75%। चकास, अब जैसे घर पे पहुंचा ना, तो बहन ने पहले हाथ से रिजल्ट लिया और जोर से चिल्लाया, इसको सच्ची में 75 है, मतलब एक्चुअली मेरे घर वालों को 15 दिन से रिजल्ट मालूम पड़ गया था, बट दे वेर नॉट टेलिंग मी बिकॉज दे कुड नॉट बिलीव कि आई एम गोइंग टू गेट 75, बिकॉज आई नेवर गॉट 75 इन वर्ल्ड, एंड माई डैड थ्रू अ बिग पार्टी ऑन दैट डे। क्लियर? आफ्टर 2 years माई सिस्टर केम टू 10th, शी गॉट 90, कितना, पर मेरे डैड ने कोई पार्टी नहीं दिया। अब आज तक ना मेरी बहन को ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि तेरा 75 में पार्टी कैसे हुआ और मेरे 90 में पार्टी, तो शी स्टिल हैज दैट कंप्लेन दैट माय फादर लव्स मी मोर। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो मैंने एक बार डैडी से ऐसे ही पूछ लिया, मतलब डैड आपने क्यों नहीं दिया था, तो बोलते पागल तेरे को 40 आता था और तेरे को कितना आया, ह्यूज जंप, तो पार्टी दिया, मैं बहुत खुश हुआ। पर बोलता है उसको 90 आया, पर उसको तो हर साल 90 आता था, तो बोलता है वी वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग 90 और आया कितना। सी, कंजर्वेटिज्म का फायदा क्या है मालूम है, यू विल ऑलवेज अंडर प्रॉमिस, और तुमको उससे थोड़ा भी ज्यादा जाना सामने वाला बहुत खुश होएगा। इज दिस क्लियर? इसीलिए कंजर्वेटिज्म इज लाइक लॉस में रोना है, और लॉस हुआ तो रोना है, नहीं लॉस हुआ तो रोना ही है, लॉस होने वाला है तो भी, पर जब तक प्रॉफिट ना हो जाए तब तक किसी को कहीं नहीं बोलना। दैट इज, एंड कंजर्वेटिज्म के बाद वही कंजर्वेटिज्म को थोड़ा टर्न अराउंड करके आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल और रियल लाइफ में भी बोलता हूँ क्या करना है, ऑलवेज अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर, नेवर ओवर प्रोमिस एंड अंडर डिलीवर, बिकॉज ओवर प्रोमिस कर दोगे ना, किसी को बोलोगे कि पेपर कैसा गया, बहुत मस्त गया, कितना आएगा, 90 आएगा, और बाद में 89 भी आया ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा ना, कितना स्मार्ट बन रहा था पागल, 90 बोल रहा था, अरे पर 89 तो आया है, इट्स ओनली वन लेस। नो, बट पीपल विल नॉट रिमेंबर दैट, पीपल विल रिमेंबर यू गॉट वन लेस। वो कहीं पे तो एक बार विराट कोहली ने कहा था, विराट कोहली वॉज आउट ऑफ फॉर्म इन मिडल, लोग गाली दे रहे थे, विराट कोहली नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, तो बोलते किधर नहीं खेल रहा हूँ यार, 10 मैच खेला है, 3 हाफ सेंचुरी बनाए, किधर नहीं खेल रहा हूँ, पर विराट कोहली ना भाई तू, यू आर नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी, यू आर, बिकॉज तूने इसके ही लास्ट ईयर में 10 मैच में 7 सेंचुरी मारा था, और अभी तूने 10 मैच में 3 सेंचुरी नहीं, 3 हाफ सेंचुरी मारा है, सेंचुरी किधर है अभी, एग्जैक्टली क्लियर? वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है ना। अब तेंदुलकर था, तो तेंदुलकर जब भी बैटिंग करने आएगा तो अपने को कितना चाहिए, 100, अपने को 100 के नीचे खेले आज मजा नहीं आया, तेंदुलकर खेला ही नहीं रहे, अपना वो एक्सपेक्टेशन अभी धोनी से सेट हो गया है, कहीं पे भी जाएगा धोनी कैप्टन है, कप आने ही आना है, कौन है कैप्टन, वो बंदा भी सही है लेके आता है हर टाइम। Got this concept of conservatism? Remember karoge? And last concept, concept of anything that we do in accounts, we have to follow. And again, this is the third part now. G C A. G stands for, C stands for, A stands for. If you follow G C A, should you tell anyone that you are following G C A? That means when I say should you tell anyone, that means should you disclose it? No. But if we don't follow G C A, should we disclose it? Yes. पक्का? क्विक फायर रिवर्स में जा रहा हूँ, एक बार आराम से फटाफट बोल देना कि तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है? कैन आई स्टार्ट? सबसे पहला बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज थिंग्स दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड, पीरियडिसिटी, अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू पीरियड, वन पीरियड इज 1 ईयर, एनीथिंग लेस देन 1 ईयर
स्मॉल एनीथिंग बिग देन वन ईयर बिग. अभी हम लोग कहते हैं फर्नीचर का बेनिफिट कब तक मिलेगा, मोर देन वन ईयर, डेट्स काफ़ी सर. 5-6 साल अपने को कोई लेना देना नहीं, मोर देन वन ईयर. अक्रूवल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड वेन दे टेक प्लेस एंड नॉट वेन मनी इज रिसीव्ड और पेड. नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. एक्सपेंसिस शुड बी मैच विद इनकम टू गेट द प्रॉफिट. गोइंग कंसर्न, वी अज्यूम बिजनेस कीप्स ऑन गोइंग. कॉस्ट कॉन्सेप्ट, असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस एंड अंटिल इट इज रियलाइज. ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. कंजर्वेटिज्म, वी शुड रिकोगनाइज ऑल पॉसिबल लॉसेज बट वी शुड नॉट रिकोगनाइज. फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा. क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट. क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज. क्यों बोला है, सो लेट्स से कॉस्ट प्राइस 10,000 है, मार्केट वैल्यू 8,000 है, किस पे रिकॉर्ड करोगे? अरे यार देखना, बेचने जाएगा तो 8 ही आएगा ना. गॉट दिस? अच्छा, कॉस्ट 10,000, मार्केट वैल्यू 12,000, तो किस पे? अरे बेचने जाएगा तो 12 आएगा. बेचेगा तब भी ना, तो काय को कल कम हो गया तो 12 लेने का ही नहीं ना. कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के वजह से वो था. नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी. एवरीथिंग दैट वी डू इन अकाउंट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली. आर वी क्लियर विद दैट वन? एक लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज व्हाट? अकाउंट्स में जो चीजें मटेरियली इंपॉर्टेंट हो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना. जो चीजें मटेरियली इंपॉर्टेंट हो वो अलग से डिस्क्लोज करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट फीस किसको पे करोगे? ऑडिट फीस सीए को. सीए ऑडिटर बनते हैं. ऑडिट का मतलब क्या होता है बाय द वे? अकाउंट चेक करना. कौन चेक करेगा? मास्टर. अब सीए ऑडिट कर रहा है, बट सीए पीपल आर सो इंटेलिजेंट कि उन लोग को खाली अकाउंट्स का मास्टरी नहीं है, उनका मास्टरी लॉ में भी है, उनका मास्टरी टैक्सेशन में भी है. तो अभी किसी कंपनी को टैक्सेशन मैटर में हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने सीए को बुलाया और हेल्प ली. किसकी? सीए की. कौन से मैटर में? अब वो बंदा उस कंपनी का ऑडिटर भी था और वो बंदा उस कंपनी को टैक्स में. अब वो कंपनी से इस बंदे को टोटल 50,000 रुपए फीस मिल रही थी. तो यू कैन नॉट राइट कंसल्टेशन फीस ऑफ सीए 50,000. रॉन्ग. उसमें ऑडिट फीस कितना और टैक्स फीस कितना सेपरेट करके दिखाना है. दिस इज नोन एज मटीरियलिटी. मटीरियलिटी का मतलब है एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. कॉन्सेप्ट समझा? कोई डाउट है? अब फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हो, उसको बोल रहे हो मेरे को इंश्योरेंस निकालना है. क्या निकालना है? Insurance. अब अगर इंश्योरेंस निकालना है हम लोगों को, तो वो लोग अपने वहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछेंगे कि इसके पहले कोई बीमारी थी कि नहीं. अगर हम इसके पहले की कोई बीमारी बताएंगे ही नहीं और बाद में बीमार हुए और उनको कहीं से पता चल गया कि तुम्हारे पास वो बीमारी थी, वो अपना क्लेम एक्सेप्ट नहीं, बिकॉज हमने मटीरियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा दी थी. कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? एंड थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नोन एज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूँगा. अब फाइनल अकाउंट्स पर जाएंगे तो फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. तो क्या बनाना है? ट्रेडिंग. क्या बनाना है? PNL. क्या बनाना है? बैलेंस शीट. और एक चीज बनानी है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट. याद रहेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिलेगा ट्रेडिंग PNL से. फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगा बैलेंस शीट से. कैश पोजीशन मिलेगा कैश से. चकास? एकदम क्लियर? टू गुड. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स प्ले. चलो फर्स्ट वन, मैचिंग कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बिजनेस अफेयर टू बी फ्री फ्रॉम पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर. फॉल्स. कौन सा कॉन्सेप्ट है जो पर्सनल अफेयर ऑफ बिजनेस? एंटिटी. एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द ओनर. ट्रू. अक्रूवल मीन्स रिकग्निशन एज मनी इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज दे आर अर्नड और इनकर्ड. एब्सोल्यूटली फॉल्स. पूरा उल्टा बोल रहे हैं. The conservatism concept also states that there is that no change should be counted unless it is materialized. False. कौन सा concept है? Realization. The concept of consistency implies non-flexibility, as we should not allow the introduction of new improved method of accounting. False. False. Accounts ने कहा consistently follow करो.
पर अगर कोई अच्छे मेथड आ जाए तो आप चेंज कर सकते हो. द मटीरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम एंड नॉट अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, द नेचर ऑफ द बिजनेस, द लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, द लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग द डिसीजन. फॉल्स. खाली अमाउंट से मटीरियलिटी नहीं बनती है. क्लियर है? MCQs. All the following items are classified as fundamental accounting assumptions except what? Consistency, business entity, going concern. Business entity, GCA याद रखना. Second question छोड़ दो. Kanika Enterprise follows written down value of method of depreciation year after year due to comparability, convenience or consistency? Next one. Question number 4 बहुत important है. Purchased a car for 5 lakh. Made a down payment of? And signing rupee 4 lakh bills payable due in? What will be the result of this transaction? Asset will increase by 5 lakh. Liability will increase by 4 lakh. Asset will increase by 4 lakh with corresponding increase in liability by 4 lakh. Answer. I'm waiting, guys. See, dual aspect concept, there are two ways of getting this answer. सबसे पहले तो dual aspect concept ज़्यादा important है. Now, what is dual aspect concept? तो पहले और second question में तो two effects है ही नहीं, खाली third में ही है. अच्छा, second very important. क्या खरीदा? कार खरीदा तो क्या बढ़ा? क्या pay किया? Down payment मतलब cash. Cash pay किया तो asset कम हो गया. असेट 5 लाख से बढ़ा, असेट 1 लाख से कम हो गया, मतलब असेट 4 लाख से बढ़ा और बाकी का 4 लाख का बिल है जो बाद में पे करने वाले, तो लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय 4 लाख. असेट इंक्रीजेस बाय 4 लाख, लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय 4 लाख. कोई भी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट सोचना है. नेक्स्ट वन. असेट्स आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर वॉट? रीसेल, कन्वर्टिंग इन टू कैश और अर्निंग रेवेन्यू? नेक्स्ट वन, दैट इज सी. कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर विल इंक्रीज एन असेट एंड इंक्रीज एन लायबिलिटी, और इंक्रीज द लायबिलिटी एंड डिक्रीज द असेट, और इंक्रीज द असेट एंड डिक्रीज द लायबिलिटी? अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज ना, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. कैपिटल ब्रॉट इन में क्या आ रहा है? कैश इंक्रीजेज, असेट इंक्रीजेज एंड लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज. अच्छा, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सर, कैन आई से असेट एंड लायबिलिटी आर टू डिफरेंट साइड ऑफ बैलेंस शीट? सो ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट, इफ असेट इंक्रीजेज, there should be another asset which should decrease or liability should increase. If asset is decreasing, then there is another asset which should increase or liability should decrease. If there is a liability which is increasing, so there is another liability which should decrease or asset should increase. And last one, if there is a liability which is decreasing, then liability which is decreasing, then there is another liability which should increase or asset should decrease. Or journal entry pass kar lene ka. So for example, ye last wala transaction dikh raha hu, capital brought in by proprietor. What's the journal entry for cash? Cash aa raha hai sir, asset is increasing, capital is liability, liability is increasing. So it's increase in asset and increase in liability. Second dekho na, increase in liability, so there cannot be decrease in asset. There should be increase in asset. Third देखो ना, increase in asset है तो there cannot be decrease in liability. There has to be increase in liability. तो ही तो balance sheet tally रहेगा, वरना balance sheet tally ही नहीं रहेगा. I'm the best tile score in exemption and I'll send switch to all sir. Do you agree with this one? कौन सा chapter complete कर लिया हम लोगों ने? Concepts, conventions and principles. चलो गाइस कंटिन्यू करें. कौन सा चैप्टर? अच्छा, फाइनल अकाउंट्स इज विच स्टेज नाउ? पहला स्टेज जर्नल, सेकंड, थर्ड,
trial balance. Fourth. First one, identify, journalize, post them to ledger, trial balance, and last one is what? Final accounts. Are we exactly clear? Final accounts कब बनाओगे? जब अपना ट्रायल बैलेंस हो जाएगा. ट्रायल बैलेंस कब बनाओगे? ना, एट द एंड ऑफ द ईयर. लेजर तो चलता रहेगा. सो वी अभी पीरियडिसिटी पढ़ के आए दैट वंस अ ईयर वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स विल इंक्लूड हाउ मेनी थिंग्स? परफॉर्मेंस, पोजिशन, कैश फ्लो. परफॉर्मेंस कहाँ से मिलेगा? ट्रेडिंग पी एन एल से. पोजिशन कहाँ से मिलेगा? एंड कैश फ्लो कहाँ से मिलेगा? अब जब हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस, सो वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडर और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर. फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ और फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर. नाम से क्लियर है, ट्रेडर मतलब वो क्या कर रहा है? ट्रेड मतलब क्या? बाय एंड सेल. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा अंधेरी के नीचे वाले शॉप से. तो वो शॉप का काम क्या है? वो सारे मोबाइल फ़ोन बेचता है. ही विल सेल एप्पल ऑल्सो, ही विल सेल सैमसंग ऑल्सो, ही विल सेल दिस ऑल्सो, ही विल सेल दैट ऑल्सो, ही विल सेल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. डू यू अग्री विद दैट वन? तो इसे क्या कहता है? ट्रेडर. वो क्या करता है? ये मोबाइल फ़ोन खरीदता है, ये मोबाइल फ़ोन बेचता है. तो उसके पास स्टॉक में सिर्फ एक ही स्टॉक होगा, फिनिश गुड्स का. बिकॉज ही इज़ बाइंग द रेडीमेड स्टॉक, ही इज़ सेलिंग द रेडीमेड स्टॉक. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड द शॉप्स, रेडीमेड शॉप्स. सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोल रहे हैं कि चलो हम लोग जाते हैं लाइफस्टाइल में. लाइफस्टाइल में शर्ट बनते हैं कि शर्ट बिक रहे हैं? सिर्फ बिक रहे हैं. पर टेलर के पास जाओगे तो वो एक कपड़ा लेगा, वो कपड़ा सिलेगा, वो शर्ट बेचेगा. डू यू अग्री विद दिस वन? सो टेलर कौन है? मैन्युफैक्चरर. पर हम लोग फिलहाल जो फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर की बात नहीं करेंगे. किसकी बात करेंगे? पहला अकाउंट वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. अब ना फील करो, इसीलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं. कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट. बिकॉज वो क्या कर रहा है? ट्रेड. समझा? सेकेंड अकाउंट बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इससे हमें मिलेगा प्रॉफिट या लॉस. कोई इतना बेसिक पे तो जाके उन लोगों को ये भी नहीं पता कि ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं. अच्छा, व्हाट इज द थर्ड थिंग? बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स, नहीं, इट्स नॉट अबाउट बैलेंसिंग, इट कंटेन्स द बैलेंसेस. कौन से अकाउंट के बैलेंसेस? रियल अकाउंट्स. नहीं बेटा, रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स लेजर से करते आ रहे हैं. देर आर रियल अकाउंट्स, देर आर पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर क्लोज और बैलेंस्ड. रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड. पर्सनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड. नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड. नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड दिस नॉमिनल अकाउंट्स आर टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट. समझा? चार्टर्ड आ जाते, चार्टर्ड सीए बन जाते. क्या बन जाते? सीए बन जाते. सीए बनने के बाद में इंटरव्यू में आते हैं. यू नो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम? आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ 10 अकाउंट्स एंड टेल मी दे आर रियल, पर्सनल और नॉमिनल. लोग वो भी रॉन्ग कर लेते हैं चार्टर्ड बनने के, क्योंकि फंडाज ही नहीं है. अब फंडाज कहाँ से क्लियर होने चाहिए? पता है कि बैलेंस शीट के अंदर सारे अकाउंट्स हैं ना, सारे अकाउंट्स, दे ऑल आर रियल और पर्सनल. और पीएनएल अकाउंट के अंदर सारे अकाउंट्स हैं ना, या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे अकाउंट्स हैं ना, वो नॉमिनल. सैलरीज, प्रीपेड सैलरी, नाउ इट कैन नॉट बी नॉमिनल. एंड प्रीपेड सैलरी इज पर्सनल. आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल. गॉट दिस? मतलब एकदम सिंपल सा लॉजिक है. फाइनल अकाउंट्स के नाम भी एकदम क्लियर है. ट्रेडिंग बिकॉज ये ट्रेड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस लगता है, बैलेंस शीट बिकॉज इट कंटेन्स बैलेंसेस. तो कौन से अकाउंट है जिसका बैलेंसेस निकालते हैं? रियल एंड पर्सनल. चकास. चलिए ये देखिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कौन से एंटिटी की बात कर रहे हो? नॉन मैन्युफैक्चरिंग. इनकम स्टेटमेंट, इनकम निकालने के लिए वो बनाएगा ट्रेडिंग एंड वो बनाएगा पीएनएल. और पोजिशन स्टेटमेंट के लिए वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के जो बैलेंस मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. पीएनएल अकाउंट में जो बैलेंस मिलता है वो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. गॉट दिस? अब पहला अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस,
कैरेज इनवर्ड. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एंड क्रेडिट साइड पे सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एंड देन वील बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट. जैसे लेजर अकाउंट बैलेंस करते थे वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करना है. दोनों साइड का टोटल करना है. जो साइड का टोटल आएगा वो दोनों साइड लिखोगे. सो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल वो टोटल दोनों साइड लिखोगे, फिर डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे और बैलेंस आएगा. क्या बोलेंगे उस बैलेंस को? क्रेडिट बैलेंस. एंड क्रेडिट बैलेंस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट. सो दे कैन बी वन सिंपल क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज, लोग बोलते सर लॉस. नहीं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट. एंड वाई इट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट? बिकॉज क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो? इनकम. दैट मीन्स इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस एंड देयरफॉर वी हैव समथिंग विच इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट. बट एक फंडामेंटल बेसिक नहीं छोड़ना, इज दैट एवरीथिंग इन अकाउंट्स इज डन विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री. कौन सा एंट्री? सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे पहले तो लिख दिया ओपनिंग स्टॉक. व्हाट इज द सेकंड वर्ड? परचेज. यहां पे आया कैसे? लेजर कर लिया अभी. सो लेजर करते वक्त इफ यू नो नाउ, या जर्नल से चालू करता हूं, लेट्स से परचेज फ्रॉम एक्स, व्हाट्स अ जर्नल एंट्री? हाँ, क्रेडिट पे परचेज टू एक्स. इसका पोस्टिंग करना है. जर्नल से कहां जाना है? लेजर पे गए. परचेज अकाउंट में कहां लिखा? डेबिट में क्या लिखा? 2x. अब इसका बैलेंस टोटल कर रहे हैं. कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है? डेबिट का टोटल ज़्यादा है, वही टोटल वहाँ पे लिखा. क्रेडिट में बैलेंस आएगा. परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड शुड बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग. और तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पे बाय ट्रेडिंग लिखा, इसीलिए वो ट्रेडिंग में 2 परचेज आया. और ये जो परचेज अकाउंट बंद करके ट्रेडिंग में लेके आया ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री. क्या बोलते हैं इसको? और क्लोजिंग एंट्री पास कहां करना है? जर्नल प्रॉपर में. कहां पे? हाउ मेनी जर्नल्स वी हैड? जर्नल 1, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर में 6 सेट ऑफ एंट्रीज आएगी. कितनी सेट ऑफ एंट्रीज आएगी? ओपनिंग, जब हम नेक्स्ट ईयर अकाउंट्स ओपन करेंगे तो ओपनिंग एंट्रीज पास करेंगे. क्लोजिंग, जब इस साल के अकाउंट्स बंद करेंगे तो क्लोजिंग एंट्रीज आएगी. ट्रांसफर एंट्री. अब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. कहाँ लेके जाओगे? पीएनएल अकाउंट. चल के नहीं जाएगा, उसका भी एंट्री है. अब एंट्री भी बनाना सीखो, अकाउंट देख के एंट्री बनाना सीखो. व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री? कौन से अकाउंट में लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. कहां लेके जाओगे? कौन सी साइड पे? सो ग्रॉस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंबॉलिक वर्ड है. एक्चुअली वो जाने कहां वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो फुल ट्रेडिंग अकाउंट ना, फुल ट्रेडिंग अकाउंट इज द रिजल्ट ऑफ 2 क्लोजिंग एंट्री एंड 1 ट्रांसफर एंट्री. हाउ मेनी क्लोजिंग एंट्री एंड हाउ मेनी ट्रांसफर एंट्री? कौन सा 2 क्लोजिंग एंट्रीज पता है? ट्रेडिंग के जो डेबिट साइड पे लिखा है पहले सब कुछ. एंट्री नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू फ्रेट इनवर्ड, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंट्री नंबर 2 क्रेडिट साइड का, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. एंड ट्रांसफर एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट. चकास है? अच्छा, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस लॉस. कहां लेके जाओगे? ग्रॉस लॉस का जर्नल एंट्री दो. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्या सही पकड़ रहे हो यार. चलो पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. बनाएंगे नहीं, टाइम पास नहीं करेंगे. आप पोस्टिंग बताइए खाली. ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड. दिस इज सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न क्रेडिट नहीं बोलेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स बोलेंगे. एंड लास्ट वन, क्लोजिंग इन्वेंट्री. डन.
कोई डाउट? नहीं। अकाउंट बनाने के बाद एंट्रीज पास हो जाएगी, क्लोजिंग एंट्री 1, 2, ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री, ग्रॉस लॉस का एंट्री, याद रहेगा। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे ऑफिस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की कहानी है। डू यू रिमेंबर दिस नाउ? चलो तो ये आ जाता है सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लेके जाओगे? सैलरी, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, बैड डेट्स, डेप्री, लीगल चार्जेस, कंसल्टिंग फी, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, डेबिट। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज नोन एज नेट प्रॉफिट का जर्नल एंट्री। कैपिटल बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट। और नेट प्रॉफिट कहाँ लेके जाओगे? कैपिटल में। और बराबर सोच रहे हो, अभी इसके जैसे इमेजिनेशन डालो, मैंने इसे पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो आपका दिमाग में इमेजिनेशन चलना चाहिए। सर ये पीएनएल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हो मतलब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट में बैलेंस आ गया, तो सर पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ है एंड टू कैपिटल। नेट लॉस का जर्नल एंट्री कैपिटल टू पीएनएल, जकास एकदम। एंड लास्ट में आ जाएगा बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट हैज टू टैली, इट विल नॉट हैव एनी बैलेंसेस, इट इज नोन एज बैलेंस शीट बिकॉज इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस, ठीक है। एडजस्टमेंट्स याद करते, कितना एडजस्टमेंट्स याद है? क्लोजिंग स्टॉक, टू इफेक्ट्स, जर्नल एंट्री बनाओ क्लोजिंग स्टॉक का, अब प्रॉब्लम यही है कि हमें इफेक्ट्स याद है। अब एग्जामिनेशन में ये लोग इफेक्ट्स नहीं पूछेंगे, व्हाट विल दे आस्क यू? और एंट्री तूने खुद ने बताया, व्हाट आर टू इफेक्ट्स? तो ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट अकाउंट तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक जो डेबिट किया है वो असेट में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे। समझा? पक्का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो इफेक्ट। अब देखो इसे एंट्री कैसे बनाते हैं। एक्सपेंसेस में क्या करोगे? एक्सपेंस पहले से क्या होता है? और आप ऐड बोल रहे हो, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अभी देखेगा, अभी आराम से वही कर रहे हैं, पहुंच ही रहे हो, मस्त पहुंच रहे हो। रेंट अकाउंट डेबिट, इसलिए एड टू रेंट हो गया। टू व्हाट? आउटस्टैंडिंग रेंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो असेट। अब एंट्री, पहले इफेक्ट बोलना फिर एंट्री बनाना सीखेंगे एक बार और। प्रीपेड एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, असेट। अब एक्सपेंस से क्या करने को बोल रहे हो? एक्सपेंस होते क्या है? एक्सपेंस डेबिट होते हैं और आप लेस बोल रहे हो, तो किसको क्रेडिट करोगे? तो डेबिट किसको करोगे? प्रीपेड एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल इट इज सैलरी, तो इट इज प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। प्रीपेड सैलरी किधर आएगा? असेट। टू सैलरी मतलब सैलरी में से लेस। समझा? ओके। वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम, आपको इफेक्ट्स आता है एंट्री बनाने की कोशिश करना। डेप्री का दो इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम असेट। असेट क्या होता है? आप लेस कर रहे हो तो असेट को क्रेडिट कर दिया, डेप्री को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगा? डेप्री टू असेट। अच्छा, डेप्री इज रियल पर्सनल नॉमिनल, तो वापस वो डेप्री अकाउंट बंद करोगे और कहां लेके जाओगे? पीएनएल। तो एक और एंट्री आएगा, पीएनएल टू डेप्री, तो तब जाके वो डेप्री पीएनएल अकाउंट में आएगा। मतलब एक्चुअली डेप्री के एक एंट्री नहीं है, डेप्री के कितने एंट्रीज है? दो। पहला एंट्री है डेप्री टू असेट और सेकेंड एंट्री है पीएनएल टू डेप्री। समझा? अभी क्लियर? नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 छोड़ देते हैं, बाकी सब एडजस्टमेंट से एक बार गो थ्रू कर लेना कि करना है अपने को, ऐसे जाना है। सो फॉर एग्जांपल गुड्स लॉस बाय फायर, दो इफेक्ट। और एक चीज याद रखना है खाली वहां पे, कि अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं और गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं एंड दे आर नॉट सेल्स,
So they all should be recorded at cost. They all should be recorded at cost. Sales होता है वो खाली कौन से price पे आना चाहिए? Selling price पे आना चाहिए. But बाकी सारे goods withdrawn for personal use, goods lost by fire, goods lost by theft, goods distributed as free sample, कुछ भी हो, goods अगर business से जा रहे हैं और sale, तो वो कौन से price पे record होना चाहिए? Cost price पे. और reason क्या है? बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को बराबर से जाना है ना, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखना है, परचेज कॉस्ट पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखना है. खाली सेल्स को, तो वो सेल्स जो सेलिंग प्राइस पे लिखते हो, वो जो एक्सेस अमाउंट आता है, वही तो प्रॉफिट काटते हो. दैट इज द रियल फीलिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. गॉट दैट क्लियर? अच्छा, लास्ट में क्या बनाना है? बैलेंस शीट, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड. चलो एक बार पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व नहीं करेंगे, अगेन वील डिस्कस दैट बिकॉज वी डोंट हैव दैट टाइम टू सॉल्व इट. ठीक है ना? फर्स्ट वन, कैपिटल कहाँ पे? लैंड एंड बिल्डिंग, 14% टर्म लोन, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एन कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, फर्नीचर, ट्रेड पेएबल, एडवांस टू सप्लायर, असेट. फर्स्ट जाओ तो ऑलवेज कहा था डेबिट क्रेडिट देखना. डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो डेबिट में लिखा है तो वो लायबिलिटी हो ही नहीं सकता है, हैज टू बी असेट. और अभी वापस थोड़ा फील ले लो, एडवांस पे किया है किसी को, असेट. किसी का एडवांस लेके रखा है, लायबिलिटी है ना. सो फॉर एग्जांपल, आप मेरा और आपका रिलेशन ले लो, हैव यू पेड द फीस? फॉर यू इट इज, बट फॉर मी इट इज बिकॉज अभी तक पढ़ाना. एंड द लास्ट वन, नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा. और ड्रॉइंग्स क्या क्या होगा? ओ क्लियर एकदम. नेक्स्ट वन, डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स, एंड ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्रेडिटर्स. ये मॉडर्न वर्ड्स आ गए अभी तो. लोग आजकल लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स वर्ड यूज नहीं करते, तो दे यूज द वर्ड ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स. कैन आई गो अहेड नाउ? नेक्स्ट वन, कैपिटल, परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, 14% बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, सैलरी, एडवर्टाइजिंग, अदर एक्सपेंसेस, रिटर्न्स. जो रिटर्न डेबिट में लिखा है वो सेल्स रिटर्न है, और जो रिटर्न क्रेडिट में लिखा है वो परचेज रिटर्न है. फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कोई डाउट? क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. आर वी क्लियर विद दैट वन? क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार, क्रेडिटर, लोन फ्रॉम नीशा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. पीएनएल में वो बैड डेट्स वाला फॉर्मूला याद है? बैड डेट्स ओल्ड, बैड डेट्स न्यू, आरडीडी न्यू, आरडीडी ओल्ड. नेक्स्ट वन, परचेज एंड रिटर्न्स. ट्रेडिंग डेबिट, परचेज, परचेज एंड रिटर्न्स उससे माइनस हो जाएगा. सेल्स एंड रिटर्न, सेल्स आर क्रेडिट एंड रिटर्न्स उससे माइनस हो जाएगा. सैलरी, रेंट ऑफ गोडाउन, रेंट ऑफ गोडाउन ट्रेडिंग में भी लिख सकते हो, पीएनएल में भी लिख सकते हो, थोड़ा आर्ग्यूएबल है. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निशा, पीएनएल में डेबिट और क्रेडिट. रेंट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, वंडरफुल. फ्रेट ऑन परचेज, ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल. ड्रॉइंग्स, कैपिटल से लेस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, जनरल ऑफिस, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, मोटर कार एक्सपेंसेस. कैपिटल, मोटर कार एक्सपेंसेस, पीएनएल, परफेक्ट है. एंड लास्ट वन इज कैपिटल, लायबिलिटी. कोई डाउट है? और फिर एडजस्टमेंट से डेप्री, डेप्री का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, पी एन एल ऑन द डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, असेट. रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट का दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, असेट नहीं, ऐड टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी. एंड देन ऑल द थिंग्स आर वेरी सिंपल. कोई डाउट है? ट्रू ऑफ फॉल्स? कैन आई स्टार्ट विद दैट? फर्स्ट वन, द इनकम स्टेटमेंट शोज ईदर द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अ पर्टिक्यूलर पीरियड. ट्रू.
gain from sale or exchange of asset are not considered as revenue for the business. True. The salary paid in advance is not an expense because it neither reduces asset nor increases liability. हाँ, सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस. आंसर इज ट्रू. सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस. वो खर्चा नहीं है. हाँ, तो सैलरी पेड इन एडवांस नीदर रिड्यूसेस असेट. इट डज नॉट रिड्यूस द असेट, इट इंक्रीजेस द असेट. उन्होंने बोला इट नीदर रिड्यूसेस द असेट, इट इंक्रीजेस द असेट. हाँ, आंसर इज ट्रू. वो असेट कम नहीं करता है, वो लायबिलिटी बढ़ाता नहीं है. हाँ, वो असेट कम नहीं करता, लायबिलिटी बढ़ाता नहीं है, वो असेट बढ़ाता है. एंड इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस. येस, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस. समझा? अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को इससे. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एन एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एन एक्सपेंस. येस, वो लायबिलिटी में आएगा, बट इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस बिकॉज ऐड टू एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पैसा पे, पर पैसा पे नहीं किया, पर बेनिफिट तो, और बेनिफिट हो गया तो खर्चा हो गया. प्रीपेड का दो इफेक्ट बोलो. ऐसे ऐसे नहीं है, तू ऐसे ऐसे बोल रही, मतलब सर समझ जाओ, ऐसा थोड़ी. तू बोल प्रीपेड सैलरी का दो इफेक्ट. और पहला इफेक्ट भी रॉन्ग है, एकदम आराम से करना. चलिए मैडम, प्रीपेड सैलरी का इफेक्ट बताइए. मैडम असेट साइड पे जाएगा. प्रीपेड पहले से पे कर दिया है, दैट्स गुड. तो भी गुड ना. मैं बिजनेस हूँ, मैंने किसी को पहले से पैसा पे कर दिया है, तो इट्स गुड और बैड? असेट लायबिलिटी खेलते हैं. क्या खेलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नहीं, लायबिलिटी. खाली वर्ड बदला. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑल्सो लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग इनकम असेट. आउटस्टैंडिंग इनकम असेट क्यों हो गया? बिकॉज पैसे मिलने वाले हैं. अच्छा, वापस अभी आपके लिए क्वेश्चन पे आता हूँ. प्रीपेड सैलरी का दो इफेक्ट बोलो. आप जब भी लेस फ्रॉम सैलरी बोलते हो ना, तभी वो क्लियर हो जाता है इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज आप उसको सैलरी से निकाल रहे हो. और आउटस्टैंडिंग सैलरी का दो इफेक्ट बोलो. तो जब आप ऐड टू सैलरी बोल रहे हो तो वो एक्सपेंस बढ़ रहा है. So outstanding salary is an expense, but prepaid salary is not an expense. Next one, a loss is an expenditure but it does not bring any benefit to the concern. True, बहुत मस्त technical word है. What's a nominal account का rule? Why do we differentiate between expense and a loss? Is expense is something which we pay and we are going to get the benefit. Loss is something which we incur but we don't get any benefit. Yes or no? Yes. A loss is an expenditure which does not bring any benefit to the concern. Are we clear with this one? Yes. Salary is an expense or a loss? Salary is an expense or a loss? Bad debts? Loss. Bad debts is not a? Bad debts is a? बिकॉज बैड डेट से कोई बेनिफिट मिलने वाला है क्या? नहीं. पर लॉस तो, इसीलिए वो वर्ड डिफरेंशिएट किया है कि देयर इज समथिंग विच इज नोन एज एन एक्सपेंस एंड देयर इज समथिंग विच इज नोन एज. अब एक्सपेंस और लॉस दोनों पीएनएल डेबिट साइड पे ही लिखना है, बट एक्सपेंस का मतलब पे किया है और बेनिफिट मिला है. लॉस मतलब इंकर किया है पर बेनिफिट नहीं मिला है. रेंट एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सैलरी. एडवर्टाइजिंग
परफेक्ट है. डेप्री ना एक्सपेंस. असेट का बेनिफिट मिला है, समझा. चलो नेक्स्ट. ऑल लायबिलिटीज विच बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. फॉल्स ऑफकोर्स. अभी एग्जैक्टली क्लियर. दे आर नोन एज विच लायबिलिटीज. शॉर्ट टर्म की जगह पे एक अच्छा वर्ड, करंट लायबिलिटीज. द टर्म करंट असेट इज यूज टू डेजिग्नेट कैश एंड अदर असेट्स और रिसोर्सेज विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और सोल्ड और कंज्यूम विद इन अ ईयर. ट्रू. An asset which gives rise to expenditure when it is acquired and to an expense when it is consumed. True. अभी exactly clear? मतलब अगर हमने asset खरीदा तो वो expenditure है, वो expense नहीं है. Actually it is capital expenditure. And when it is used वो expense बन जाता है, depreciation. समझा. बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बट यू गाइज आर कैचिंग अप वेरी वेल नाउ. इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस वेयर द बेनिफिट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. Answer is true. Are we exactly clear with this? Quite doubt? The balance of an account on the debit side of a trial balance. Trial balance ke debit side pe likha hai. Jiska benefit already mil chuka hai. To ye hamare liye expense hai? Answer is yes. Example is rent. Sales less cost of goods sold is gross profit. Sales less cost of goods sold. True. Answer is true. ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हो पता है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. किसी को ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे नहीं समझे ना, तो इसको एक लाइन में समझाने का. ट्रेडिंग अकाउंट किसको समझेगा? जो अकाउंट्स करके बैठा है. पर कोई अकाउंट्स नहीं करके बैठा है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे समझाओगे? उसको बोलेंगे बेटा सेल्स है, सेल्स, और ये सेल करने का कॉस्ट, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. समझा. नेक्स्ट वन. If the debit side of trading account exceeds its credit side, then the balance is termed as gross profit. False. The provision for bad debts is debited to sundry debtors account. ये छोड़ दो, 11 छोड़ दो, 12 छोड़ दो, 13th भी journal entry है, journal में आप strong होने चाहिए, 14 भी छोड़ दो, 15 भी छोड़ दो. अभी clear with that? ये सब मैं आपको questions दे रहा हूँ, but आप खुद अपने आप से practice करेंगे. और एक बहुत important चीज़ वहाँ पे, bad debts का journal entry बोलो. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. आरडीडी का जर्नल एंट्री बोलो. गलत. बैड डेट्स अकाउंट का जर्नल एंट्री है बैड डेट्स टू डेटर, और आरडीडी का जर्नल एंट्री है पीएनएल टू आरडीडी. आरडीडी डज नॉट गो इन टू द डेटर्स अकाउंट. लेस करते हैं, पर आरडीडी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है और डेटर्स हमने डेबिट में लिखा है, इसीलिए हम उसे लेस करते हैं. आराम से समझाता हूँ. डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड पे, और ये तो एक बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है. डेटर्स 40,000, लेस सेल्स रिटर्न 2,000, आंसर 38,000, लेस बैड डेट्स 2,000, आंसर 36,000, लेस आरडीडी 2,000, आंसर 34,000. फिर से एक बार रिपीट करूँ. डेटर्स लेस सेल्स रिटर्न लेस बैड डेट्स लेस आरडीडी. 40 माइनस 2, 38 माइनस 2, माइनस 2. इफ आई वॉन्ट टू ओपन डेटर्स अकाउंट इन नेक्स्ट ईयर, वॉट विल बी दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट? 36. आरडीडी माइनस करके दिखा रहे हो, पर वो एक्चुअली डेटर्स अकाउंट के अंदर गया ही नहीं है. सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री डेटर्स टू सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न टू डेटर्स. बैड डेट्स का जर्नल एंट्री बैड डेट्स टू डेटर. आरडीडी का जर्नल एंट्री is not RDD to debtor, it is PNL to RDD. अब PNL to RDD, RDD कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है. एक्चुअली वो लायबिलिटी है, एक्चुअली वो, पर क्योंकि वो डेटर से कनेक्टेड था तो हम उसको असेट पे लेके आते हैं, तो माइनस करते हैं. और लॉजिक समझाता हूँ. वॉट इज बैड डेट्स? नहीं, ई रिकवरेबल पैसा. What is RDD? अच्छा. What is debtors?
तो डेटर्स जब आप बैलेंस शीट में लिखते हो उसका मतलब है हजारों लोग हैं जिससे पैसे लेने, और डेटर्स का पूरा एक लिस्ट है. सो लेट्स से डेटर्स के लिस्ट में मैं 8 लोगों को डालता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच. कौन है ये 8 लोग? डेटर. एच ने बोल दिया पैसा नहीं देने वाला हूँ, जर्नल एंट्री बैड डेट्स टू एच, एच को क्रेडिट किया, डेटर के लिस्ट से निकाल दिया ताकि कल से उसको फोन नहीं करे. तो अब फोन किसको करने का है? ए बी सी डी ई एफ जी. चकास? नो डाउट्स. नेक्स्ट वन, जी को मंडे कॉल किया, पैसा वेनसडे आ जा. वेनसडे कॉल किया, मंडे आ जा. मंडे कॉल किया, वेनसडे आ जा. चल रहा है भाई का. अब अपने को क्या हो रहा है? गुस्सा नहीं, गुस्सा करने का ही नहीं कभी भी लाइफ में. अकाउंटेंट लोगों के लिए गुस्सा बना ही नहीं है, समझा? बिकॉज गुस्सा आएगा बाद में. नेक्स्ट टाइम तेरे को बोलूंगी तेरा बैड डेट्स हो गया तो तू बोलेगी चलो मारने जाते हो उसको. अपने को मारने का नहीं, अपने को एंट्री पास करने का. हम बिजनेसमैन है कि अकाउंटेंट है? गुस्सा किसको आएगा? आने दो उसको गुस्सा. तू काहे को फालतू में गुस्सा कर रही है, समझा कि नहीं? तो अभी अपने को डाउट आ रहा है. अब डाउट आ रहा है, क्या आ रहा है खाली? अरे पर अपने को एक कॉन्सेप्ट समझाया आज राहुल सर ने. कौन सा? नहीं, कंजर्वेटिज्म. क्या सिखाया उस कॉन्सेप्ट ने? तो पहले से तेरे को डाउट आ रहा है ना, तो तू लॉस मान ले उसको. पर उसका नाम ना डेटर रजिस्टर से निकालना नहीं, बिकॉज उसने अभी तक ना नहीं बोला है. इनफैक्ट उसका नाम ना एक और लिस्ट में डाल, आरडीडी. अब जी तेरे को दो लिस्ट में दिखेगा. कौन से दो लिस्ट में दिखेगा? तो अभी दिन में 2 बार कॉल करने का उसको. डाउट है ना बेटा? कॉन्सेप्ट समझा? अब मेरे ऑफिस में इंक्वायरी आता है, वी सेल सी ए फाइनल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड वी सेल अ सब्जेक्ट विच इज नोन एज SFM. वेरी वेल, इंडिया में अपन रैंक नंबर 2 पे. अभी क्लियर विद दैट वन? ऑफिस वाले फोन उठाते हैं, इंक्वायरी देते हैं, खत्म हो गया सेल, ठीक है. 2-3 दिन बाद अभी तक सेल नहीं हुआ ना, तो ये लोग मेरे को नंबर देते हैं. अभी एग्जैक्टली क्लियर? तो फिर वहां पे वो स्टूडेंट को फोन करते हुए, राहुल सर विल टॉक टू यू पर्सनली. वो बंदा पहले ही खुश. कौन फोन कर रहा है? खुद फोन कर रहे हैं. और बाद में मैं कॉल उठेगा ना, गुस्सा तो कभी भी. मतलब क्या बेटा, क्या हालचाल? कुछ नहीं सर. मतलब चालू नहीं करना है पढ़ाई? नहीं सर, सोच रहा हूँ ये. अरे अब भी पढ़ना है, लेट हो जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है. बिकॉज सेल तो करना ही छे. सो जब बैड डेट्स हो जाता है अपने को श्योर है उससे पैसा नहीं आना है. बट जब RDD होता है तो उसका नाम कैंसिल नहीं करना है. और अगर तू एंट्री पास कर लेगा अभी RDD टू G, तो G का नाम कट जाएगा यार. उल्टा तू उसको लॉस रिकॉर्ड कर, PNL अकाउंट डेबिट टू G. गॉट दिस? अब G को तूने क्या बनाया? क्रेडिट. वो एक्चुअली क्या बन गया? लायबिलिटी. बट किससे कनेक्टेड है वो? डेटर से. तो हम उसको क्या करके दिखा रहे हैं? लेस. पर RDD एक्चुअली डेटर अकाउंट के अंदर नहीं घुसा था. रिटर्न डेटर अकाउंट के अंदर घुस गया, बैड डेट्स डेटर अकाउंट के अंदर घुस गया, पर RDD डेटर अकाउंट के अंदर नहीं घुसा. एंड दिस इज वेरी गुड, आई एम लविंग इट. बिकॉज ये सारे डाउट्स मैं ना इंटर फाइनल में क्लियर करता हूँ, जिनको उनको भी नहीं पता होता ये सब कुछ. और ये बहुत कॉमन एरर है. किसी को पूछे ना बैड डेट्स का जर्नल एंट्री बोल बेटा, बैड डेट्स टू डेटर. बेटा RDD का जर्नल एंट्री बोल, RDD टू डेटर. अब अपने को पता चला बैड डेट्स का जर्नल एंट्री बैड डेट्स टू डेटर, बट RDD का जर्नल एंट्री इज PNL टू RDD. इज दिस क्लियर? कैन आई गो अहेड? टू गुड. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अ डेबिट ऑफ एन अकाउंट में इंक्रीज इन एक्सपेंस और डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज एंड एक्सपेंस. नेक्स्ट वन,
Prepayment of insurance premium will appear in the balance sheet and the insurance account respectively as prepayment in the balance sheet कहाँ पे आएगा? Asset. और insurance account में debit होगा या credit होगा? नहीं, credit. और देख common sense बताता हूँ, एक तो asset बोल दिया तो वो debit effect हो गया ना, तो दूसरे effect credit होने का ना. Dual aspect concept कभी भूलने का. ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ और सेल्स एंड टोटल एक्सपेंस और सेल्स एंड टोटल लायबिलिटी. सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल एक्सपेंस ले लेगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा. पेमेंट टू क्रेडिटर्स सब्जेक्ट टू, सब बहुत सिंपल है, सो आई एम नॉट जस्ट वर्किंग ऑन दैट. क्वेश्चन नंबर सिक्स ले लो. कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंस, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल, असेट लायबिलिटी और नन असेट एंड लायबिलिटी. आर वी क्लियर विद दैट? चलो, आई एम नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम. आर वी डन? I am the best. I will score an exemption. I'll send tweets to Rahul sir. कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने? और मैं थक चुका हूँ. तू भी थक गई? इतना डेढ़ घंटे से मैं रगड़े जा रहा हूँ. अच्छा चलो, क्लियर है. सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू दैट. ठीक है, थैंक यू.